हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड एलटी साइंस का जो है अभी पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम जो हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर कवर करवा रहे हैं इस सीरीज़ में। तो कुछ पेपर्स मैं कवर करवा चुका हूँ और कुछ जो है अभी बचे हुए पेपर जो हैं वो भी कवर करवाए जा रहे हैं। तो पार्ट वन जो है इसका मैं डाल चुका हूँ आपके लिए, पार्ट टू आज डाल रहे हैं जिसमें आगे क्वेश्चन हम कवर करवा रहे हैं। तो पूरा का पूरा पेपर पहले कवर करवा रहे हैं, इसके बाद के भी और भी प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हैं सारे के सारे इसके लिए लेकर आ रहे हैं। तो टाइम क्योंकि कम बचा है, तो अब क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर पे भी आपको ध्यान देना चाहिए, इसलिए ही आपके लिए ये प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए जा रहे हैं। तो चलिए हम जो हैं आज क्वेश्चन नंबर 51 से 151 से स्टार्ट करने वाले हैं। 150 तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो 151 से आज क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले, तो चलिए देखते हैं 151 क्वेश्चन कैसा है। और इससे पहले वाले अगर आपने नहीं देखे तो आप नीचे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हिंदी में मैं ये पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, इसके लिए आंसर सारे के सारे यानी पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस थे, 2015 का पेपर है ये, ठीक है। अभी बात है इंग्लिश में अपलोड करने की, तो इंग्लिश में अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो ये पेपर जो है वो इंग्लिश में ही पूरा का पूरा अपलोड हो रहा है। तो ऑप्शन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 151 की, ये बोला है गैस्ट्रिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इंटेस्टाइन, स्टमक, पैनक्रियाज या लीवर। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें बी, इसका करेक्ट आंसर होगा स्टमक। नेक्स्ट आपको बोल रखा है विच इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ एक्टोडर्म, एक्टोडर्म का कौन सा इनमें से एक डेरिवेटिव है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रेन। नेक्स्ट आपको बोल रखा है लैक इज ए और एन, ये क्या होता है। ये एक एनिमल प्रोडक्ट होता है, प्लांट प्रोडक्ट होता है, वायरल प्रोडक्ट होता है या आर्टिफिशियल प्रोडक्ट होता है। तो इसका अगर हम बात करें, इसका भी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, एनिमल प्रोडक्ट होता है ये एक, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 154 में, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ये किसने दिया था, लिनियस ने दिया था, क्यूविया ने दिया था या इन दोनों ने दिया था या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये पता होगा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इन दोनों में से किसी ने भी नहीं दिया है, ठीक है। तो फिर इसका जो है नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। अगर ये बात आ जाती है दिया किसने, तो ये रॉबर्ट विटेकर ने दिया था। विटेकर इसका स्पेलिंग है WHITEKER, ठीक है, विटेकर पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है। तो उन्होंने दिया था ये। फिर आपको दे रखा है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरेलस लीनियस इज, इसने क्या दिया था। तो अगर हम बात करें तो इसने जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो इसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आता है हीमोपोएटिक स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो इज, तो ऑप्शन नंबर इसकी बात करें तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यॉर्क सैक। फिर आपको बोल रखा है सिल्वर क्लोराइड इज प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स इन अमोनिया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो किसकी फॉर्मेशन की वजह से अमोनिया में होता है ये डिसॉल्व, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा ये। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 158 की ओर। बोला है मार्क द गैस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कौन सी गैस जो है वो लाइम वाटर को दूध या यानी मिल्की बना देती है। तो इसका जो होगा आपको पता होना चाहिए, SO2 भी बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाती है। ये BSc में आपने एक्सपेरिमेंट करे भी होंगे ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बोथ BnC। फिर इससे पूछा कि एक कंपाउंड दे रखा है इसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है। तो आप इस पर सोच सकते हो, तो इसका जो है 1,2-epoxy-butane इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपसे बोला गया है कि करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग इज, इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी, 1s2s, 1r2s, 1s2r या 1r2r। तो इसकी जो है वो होगी 1s2s। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बोला है एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें फाइनल कंपाउंड क्या होगा, यानी सी जो बनेगा ये फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा, ठीक है। तो पहला तो ऑक्सीडेशन हो रहा है देखो आप, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हो रहा है, उसके बाद सोडा लाइम यूज़ हो रहा है, उसके बाद ये कंपाउंड जो बन रहा है वो सी वाला कंपाउंड आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो फाइनल कंपाउंड होगा C2H6। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज़ नॉट एन ऑक्सोक्रोम, इनमें से कौन सा ऑक्सोक्रोम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है बॉटनिकल नेम ऑफ टी इज़, टी का बॉटनिकल नेम क्या होता है। तो ये आपने पढ़ भी रखा होगा, ठीक है। टी का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है कैमेलिया सिनेंसिस, ठीक है। फिर आपको बोल रखा है चॉकलेट इज ऑब्टेंड फ्रॉम, किससे ऑब्टेंड होती है। तो इनमें से किसी से भी नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोल रखा है कि एसाफोटिडा इज ऑब्टेंड फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ, ठीक है। तो इसका जो है 65 की अगर हम बात करें, तो इसका ऑप्शन नंबर ए फेरियूला इसका करेक्ट आंसर होगा।
फिर आपको बोल रखा है लीची इज़ अ नेटिव ऑफ, लीची जो है नेटिव कहाँ की है, यानी कहाँ सबसे पहले उगाई गई थी। नेटिव का मतलब ये होता है इंडिया में तो उगाई जाती है, रशिया में भी उगाई जाती है, बट ये चाइना में सबसे पहले उगाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। पोटैटो कहाँ का नेटिव है फिर आपसे पूछा गया, ब्राज़ील, मैक्सिको, पेरू या पनामा का, तो ये पेरू का है। पेरू की एक कैपिटल है लीमा, अगर आपने आपको पता हो तो लीमा में जो है सबसे पहले पोटैटो उगाया जाता था। फिर आपको बोल रखा है पल्सेस बिलोंग टू द फैमिली, पल्सेस कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो पल्सेस जो है फेबैसी, फेबैसी जो हम इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इससे बिलोंग करते हैं। फिर आपको बोला है हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स कैन बी प्लांट, कैन अ प्लांट ऑफ जीनोटाइप ए डबल ए डबल बी डबल सी प्रोड्यूस, तो कितने टाइप का कर सकता है, तो ये कर सकता है चार टाइप के, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है द ऑफ स्प्रिंग ऑफ क्रॉस बिटवीन टू प्योर स्ट्रैन इज कॉल्ड, ठीक है, इनके बीच में जब क्रॉसिंग करते हैं तो इनके जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर, अगर हम इसकी बात करें इसको हम कहते हैं हाइब्रिड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं ऑफ द 64 कॉडॉन्स हाउ मेनी कॉड फॉर एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स के कितने कॉड्स होते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है 61 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला सीड्स आर केप्ट इन वाटर स्वेल अप ड्यू टू, तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है इम्बिबिशन, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है कि टेम्परेचर ऑफ लीव्स इज़ कंट्रोल्ड बाय, लीव्स का जो टेम्परेचर होता है वो किसकी वजह से, किससे के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो वो होता है ट्रांसपीरेशन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रियो आइसोमेरिक फॉर्म्स सी सिक्स फॉर्म्स ऑफ सी सिक्स एच सिक्स सी एल सिक्स इज नॉन एज, ठीक है, इसके कितने टोटल नंबर ऑफ स्ट्रियो आइसोमेरिक होते हैं, आपसे नंबर में पूछा गया, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हम इसकी बात करें 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको एक तीन कंपाउंड दे रखे हैं, आपसे बोला है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक है, तो इनका करेक्ट ऑर्डर पूछा है डिहाइड्रेशन का, ठीक है ना, तो इसका अगर हम बात करें 175 का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, पहला 3 फिर 2 फिर 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है डे एक्टिन एक्टिव आयन इन टोलन रिएजन जो होता है ना, टोलन अभिकर्मक, उसमें एक्टिव आयन कौन सा होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर होगा, AgNH3 होल ट्वाइस, ठीक है। फिर आपको दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वीकेस्ट एसिड, आपको ये बताना है इन चारों में से वीकेस्ट कौन सा है, ठीक है, वीकेस्ट यानी दुर्बल अम्ल, हिंदी में बोलूँ तो वीकेस्ट एसिड जो है वो कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोपिक्लिन, क्लोरोपिक्रीन का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, 78 की अगर हम बात करें तो इसका होता है CCl3NO2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, आपसे पूछा है ऑलोन हैज़ अ यूनिट, ठीक है, तो इसमें चार में से आपको आंसर बताना था, तो ये है विनाइल साइनाइड इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है एन एग्जांपल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज़, तो ये होता है सिस्टीन, ठीक है, तो सिस्टीन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है साइब्रिड इज़ प्रोड्यूस्ड इन, साइब्रिड इज़ प्रोड्यूस्ड इन, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ दीज। फिर आपको दे रखा है जेनिया इज़ इफ़ेक्ट ऑफ पोलन ऑन, जेनिया जो है, ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन आपसे पूछ रखे हैं कौन सा इसमें करेक्ट होगा, तो ये होगा एंडोस्पर्म, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला द मेन प्रेशर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ऑब्जॉर्प्शन इन अ लिविंग सेल इज़ कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है कि सर्सिनोट्रो पाउस ओवल इज़ फाउंड इन, ठीक है, तो इसका चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो सकती है मेरी, ठीक है। फिर आपको बोल सकते हैं बोल रखा है कि विच इज़ ऑड अकॉर्डिंग टू पैरासिटिज्म, ठीक है, तो इसके पैरासिटिज्म के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो अलग है, ठीक है, आपसे ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्लाज्मोडियम। फिर आपको बोल रखा है बायोजेनिक लॉ वाज गिवन बाय, ये किसने दिया था, ठीक है, तो ये दिया था ऑप्शन नंबर बी हैकल ने, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है यूरिक एसिड इज़ द थीफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ, थीफ नहीं सॉरी चीफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, चीफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, कॉकरोच।
फिर आपको बोल रखा है नेक्स्ट 188, और कुछ क्वेश्चन ही बचे हैं अब आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट इन ह्यूमन बींग रीचेस स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड। ठीक है, तो 188 की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, फैट। नेक्स्ट आपको दे रखा है गैमेटोफाइटिक जनरेशन ऑफ अ फर्न प्लांट इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रोथेलस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है राइजोफोर इज प्रेजेंट इन, राइजोफोर जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है स्लेजिनेला। ठीक है, फिर आपको बोलते हैं 191 में फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इज, थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है, तो ये होता है कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है बैट्स हैव स्पेशल सेंसरी सिस्टम, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, तो ये आपने पढ़ा भी होगा इकोलोकेशन कहते हैं। यूवी रेज आके छोड़ते हैं, उसके बाद वो उसी रेस से अपना पाथ भी ढूंढते हैं। ठीक है, फिर आपको बोल रखा है फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन, फिल्ट्रेशन जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है द हार्ट बीट इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ड्यू टू, ऐसा किस लिए होता है, ऐसा क्यों, कौन से हार्मोन की वजह से होता है, ये भी आप बता सकते हो। तो ये होता है ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें इसका 194 का, ऑप्शन नंबर जो है वो इसका ए करेक्ट आंसर होगा। सेक्रेशन ऑफ एड्रेनालिन, एड्रेनालिन एक हार्मोन होता है, जब भी आप कोई भी चीज़ देखते हो, जैसे मान लेते हैं आपने कोई ऐसा देखा, खतरा देखा है, तो भी वो एकदम से रिलीज़ हो जाता है, या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिससे आपको डर लगता है या आप के साथ में वो पहली बार होती है, तो वो रिलीज़ हो जाता है और एकदम से वो आपको एक्टिव कर देता है, ठीक है, बॉडी में। फिर आपको बोल रखा है द अमाउंट ऑफ एयर एक्सचेंज इन ब्रीदिंग इस कैन बी मेजर्ड विद अ, तो इसको हम कहते हैं स्पायरोमीटर से मेजर होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं। 196 बोल रखा है मुलेरियन डक्ट इज, ये क्या होती है, तो 196 का ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ओविडक्ट। फिर आपको बोल रखा है रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, कौन से फॉर्मूले से एक्सप्रेस करी जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी इंटू 1/W। नेक्स्ट आपको 198 दे रखा है चारगोफ्स रूल जो होता है वो इनमें से कौन सा वाली इक्वेशन को दर्शाता है। ठीक है, कौन सी इक्वेशन जो होती है चारगोफ्स रूल्स को दर्शाती है। ठीक है, तो 98 का जो करें ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि इन द सीक्वेंस ऑफ बेस इन डीएनए इज, ये आपको पूरा पूरा ए डबल टी सी जी ए टी जी, देन द सीक्वेंस ऑफ बेस इन ट्रांसक्रिप्ट विल बी, कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें 99 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है 200 में कि विच ऑफ दीज इज़ यूज्ड एज अ वेक्टर इन जीन थेरेपी फॉर SCID। ओके, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी रेट्रोवायरस इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये पूरी की पूरी मैंने आपको आंसर की बता दी है पूरे पेपर की। ठीक है, तो 2015 का हमने कंप्लीट कर लिया, अभी और भी पेपर जो है वो हम लेकर आ रहे हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।